चलिए वेलकम बैक एवरीवन। शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर सेंटर ऑफ मास एंड द रोटेशनल मोशन का ये सेकंड लेक्चर, ठीक है ना। चलिए पहले लेक्चर में आपको मैंने सिखाया था कि रिजिड बॉडी क्या होता है, राइट। तो ऐसा बॉडी जिनका मास या जिनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, या ऐसा बॉडी जो कभी डिफॉर्म नहीं होगा, उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। हमने देखा था रिजिड बॉडी किस किस तरह के मोशन करता है। तो हमने मेन कंक्लूड किया था कि अगर रिजिड बॉडी को आपने कहीं से भी कंस्ट्रेन नहीं रखा है ना, अगर आपने रिजिड बॉडी को कहीं से भी कंस्ट्रेन नहीं किया है, तो या तो वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा या तो वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन करेगा। और जैसे ही आप रिजिड बॉडी को किसी भी एक पॉइंट से कंस्ट्रेन कर दोगे, बांध दोगे ना एक पॉइंट पे, उसके बाद वो खाली रोटेशनल मोशन ही कर सकता है, फिर वो आगे पीछे ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता है। चलिए उसके बाद हम कंसेप्ट लाए थे सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास एक्सटेंडेड बॉडीज है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो भाई एक एक पार्टिकल का इंडिविजुअल स्टडी करना, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तब तक तो तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा। सो बेटर है हम एक नया तोड़ निकाला, और उस तोड़ में हमने क्या किया था, हमने पूरे सिस्टम का मिला के मास एक ऐसी जगह पर एज्यूम किया था कि अगर पूरा मास वहाँ पर है ना, तो सिस्टम का बिहेवियर और वो अकेले मास का बिहेवियर सेम होगा, और उसको हमने कहा था सेंटर ऑफ मास। और मैं आपको बता दूं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, राइट। तो हमने ऐसा पढ़ा था भाई कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है, ओके, दैट वी विल राइट एज कैपिटल आर, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस आगे जाने देंगे एम एन आर एन तक, और नीचे आएगा आपका समेशन ऑफ द मासेस, याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूला। चलिए सारे मासेस का जो समेशन है, राइट, उसको आप लिख दोगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल एम, तो ये आर हो जाता है आपका एम वन आर वन एम टू आर टू एम थ्री आर थ्री अप टू एम एन आर एन, और नीचे हो जाएगा आपका टोटल मास, सारे मास को जोड़ दो इट विल बी टोटल मास। चले टोटल मास को आ जाए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास ये स्टेटमेंट हो गया m इंटू आर इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री एंड सो ऑन। अब मान लीजिए अगर सिस्टम मोशन में है, अगर सिस्टम मोशन में है तो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल भी कैसे होंगे भाई, मोशन में होंगे डेफिनेटली, तो उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। चलिए तो फिर वेलोसिटी लाने के लिए इस इक्वेशन को कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ द साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ द साइड्स। चलिए तो मास एज इट इज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा डी आर बाई डी टी का, मास एज इट इज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा डी आर वन बाई डी टी का, मास एज इट इज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा डी आर टू बाई डी टी का, चल मास एज इट इज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा डी आर थ्री बाई डी टी का एंड सो ऑन, राइट। अभी हमें पता है भाई डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, राइट। सिंपल फॉर्मूला जो आप पढ़ चुके हो, दैट इज इक्वल टू एम वन इंटू वी वन एम टू इंटू वी टू, दिस ऑल टर्म्स आर वेलोसिटीज, राइट, एम थ्री इंटू वी थ्री एंड सो ऑन, ओके। नाउ व्हाट अबाउट दिस टर्म, सो दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इफ यू डिवाइड द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। डी आर बाई डी टी क्या होगा, डी आर बाई डी टी होगा आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसको आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल वी, एम इंटू कैपिटल वी, क्या लिखोगे बच्चों आप, इसको लिखोगे एम इंटू कैपिटल वी, राइट। वेर इज कैपिटल वी, कैपिटल वी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए तो दिस कैपिटल वी इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ से आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं दूंगा, व्हाट इज मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वन, दिस इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल टू, दिस इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल थ्री, राइट। तो यू कैन राइट दिस एज मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वन, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल टू, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल थ्री एंड सो ऑन। इफ आई एड ऑल द मोमेंटम, कैन आई से दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, कह ही सकते हो ना, कह दो सर, तो कह देंगे सर। तो मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। तो यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है,
एक पहला पॉइंट आया सेंटर ऑफ मास के इंपॉर्टेंस का, कि अगर आपको बहुत सारे पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल अगर मोशन में है और अगर आपको टोटल मोमेंटम निकालना है ना, तो आपको सारे पार्टिकल के मोमेंटम फाइंड करने का काम नहीं है। आपको खाली ये पता होना चाहिए कि सिस्टम का टोटल मास कितना है और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है। आपको इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम निकालने का काम ही नहीं है। आप खाली क्या करोगे, सिस्टम के टोटल मास को सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया आपका, आपको पूरे सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। समझ गए, देखा सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सपोज मान लो ना, सपोज जस्ट फॉर द एग्जांपल, ऐसे 3, 4, 5 पार्टिकल है, ये इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v1, ये इस तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v3, ये इस तरफ जा रहा है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में सब लोग घूम रहे हैं, राइट। अब इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, कुछ टेंशन नहीं लेना है, टोटल मोमेंटम निकालना है तो आप क्या करो, पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देख लो कितना है, वो टोटल मास को सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको मिला के जो मोमेंटम है वो आपके हाथ में आ जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट टू फाइंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अभी खेल ख़त्म कहाँ हुआ, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ तो दूर तक जाऊँगा, है ना। चलो अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखते हैं क्या मिलता है वो। लेट्स डिफरेंशिएट इट, वी कैन राइट या डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वापस आ जाओ डिफरेंशिएट करते हैं। तो मास एज इट इज, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dv/dt इज इक्वल टू m1 इंटू dv1/dt, m2 इंटू dv2/dt, m3 इंटू dv3/dt एंड सो ऑन। अब वापस dv/dt तो पता है आपको, dv/dt तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वन, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल टू, m3 इंटू ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 3। न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू मा है ना, मेरे पास मा है, तो ये वही है, एफ इक्वल टू एम ए, तो ये एम ए क्या है, दिस m1 इंटू a1, दैट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, राइट। नाउ व्हाट आई विल कॉल दिस dv/dt, तो v वॉज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको अगर आप डिफरेंशिएट करने वाले हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt इज एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, मेरा आपका नहीं, सेंटर ऑफ मास का। तो ये हो गया आपका m इंटू कैपिटल a, आप लिख दो इसको, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, राइट। तो कैपिटल a क्या है भाई, कैपिटल a है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैपिटल a इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये पहले पार्टिकल का फोर्स, दूसरे पार्टिकल का फोर्स, तीसरे पार्टिकल का फोर्स, तो सारे फोर्सेस को आप जोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, राइट। तो दिस इज नथिंग बट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, एफ टोटल एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ वापस वही कथा हो गई कि अगर आपको टोटल सिस्टम का फोर्स निकालना है ना, तो आपको ये नहीं देखना है कि इंडिविजुअल पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, ना भाई ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम खाली क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ द सिस्टम को सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमें पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है ना वो मिल जाएगा, समझे। तो ये इंपॉर्टेंस है सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट का फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कि व्हेन देयर आर सो मेनी पार्टिकल, व्हेन देयर आर एक्सटेंडेड बॉडीज, व्हेन देयर आर सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, वी विल नॉट स्टडी द इंडिविजुअल फोर्सेस, वी विल जस्ट स्टडी द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम with acceleration of center of mass, you will ultimately get total force acting on a system. Now, total force consists of internal forces also and external forces also. So, internal forces are always going to be cancel each other because action reaction ke hisab se
इंटरनल फोर्सेस जो लग रहे होंगे अंदर अंदर वो तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो इंटरनल फोर्सेस विल ऑलवेज कैंसिल. दिस टोटल फोर्स इज द एड अप ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जो सिस्टम पे बाहर से लग रहे हैं. कहाँ से लग रहे हैं? सिस्टम पे जो बाहर से लगने वाले फोर्सेस है ना, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. इज इट क्लियर? राइट. तो एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक में, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल मूव्स एज इफ ऑल द मास ऑफ द सिस्टम वॉज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज वर अप्लाइड एट दिस सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से बिहेव करेगा जैसे पूरे सिस्टम का मास जो है ना वो उसके पास है और जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना वो उसके ऊपर लग रहे हैं. दिस इज हाउ इट विल बिहेव. बिकॉज ये फॉर्मूला हम सिंगल पार्टिकल के लिए यूज करते हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू ए. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास है ना कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास बिहेव इन सच अ वे दैट ऑल मास is concentrated with it and all forces are acting on it. ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में, but it will behave like this, है ना? Okay. बड़ी बड़ी कंपनी में बॉस का ऐसा ही होता है, पूरी बेचारी टीम काम करती रहती है और बॉस क्या करता है, क्रेडिट लेता है, मैं कर रहा हूँ. सेंटर ऑफ मास का काम ऐसा ही है. ओके. चलिए, आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका है. पहले हमने ये सीखा कि टोटल मोमेंटम चाहिए, अगर टोटल मोमेंटम के लिए आपको टोटल मास को मल्टीप्लाई कर देना है सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के साथ. दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग. दूसरा हमने सीखा, अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं बाहर से तो टोटल फोर्स के लिए आपको खाली क्या करना है, सेंटर ऑफ मास के जो टोटल मास है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के साथ. आई होप इट इज क्लियर. चलिए कॉपी करेंगे. इसके बाद आपका एक और स्टेटमेंट था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. And that law of conservation of momentum is also true for the system of the particles. एक पार्टिकल के लिए तो हमें पता है कि if there is no force external, there will be no change of momentum. At the same time, when there are several forces together, या several particles together, again if there is no external force from outside, there will be no change in the momentum. देखते हैं ना, बस रुक जाइए, copy करिए. चले सब लोग इसको अपने notes में quickly. चलिए बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल. राइट, एक पार्टिकल के लिए तो कर चुके हैं हम. सो लेट्स राइट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल. राइट, ओके. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपको याद हो ना, यू हैव रिटन लाइक दिस, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी लिखा था ना, है ना. फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है आपका डी पी बाई डी टी. तो ये जो सेम लॉ है ना वो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी अप्लाई होता है. दैट मीन्स द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. किसका मोमेंटम? सेंटर ऑफ मास का. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास. राइट, तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो यहाँ पे के नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का. ओके. क्योंकि सेंटर ऑफ मास को तो ऐसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे कि सारा मास उसके ऊपर ही क्यों ना, वो विल बिहेव, इट विल बिहेव लाइक दिस. राइट, चलिए आगे देखते हैं. सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम नहीं बदलेगा. वाह, बस तो वही तो बात है ना. तो वी कैन राइट हियर, इफ F external is zero on the system, तो ये जो dp by dt है किसका मोमेंटम है, सेंटर ऑफ मास का, ये भी क्या रहेगा, जीरो. तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं है, मतलब p सेंट टोटल मोमेंटम और टोटल सेंटर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन कॉन्स्टेंट. राइट, अब टोटल मोमेंटम के अंदर क्या क्या था भाई? टोटल मोमेंटम में हर एक इंडिविजुअल चुल्लू मुल्लू पार्टिकल का मोमेंटम था.
दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. मतलब अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है ना, तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम चेंज होता नहीं है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम. राइट, ओके. तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल. चलिए अब एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं. अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा. मोमेंटम चेंज नहीं होगा ना, तो सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. ओह, ये क्या बात है सर, समझाओ. एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल चाहिए सर, देंगे एग्जाम्पल, रुको एक मिनट. ओके, एग्जाम्पल दिया जाए. ओके, तो आई विल राइट हियर, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, सेंटर ऑफ मास रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. सेंटर ऑफ मास रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट, नो एक्सटर्नल फोर्स, सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, इट विल रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. मतबल क्या है, मतबल ये है कि सपोज ये बॉम्ब एक और ये इनिशियली स्टेशनरी है. अभी तो डेफिनेटली ये बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इधर ही होगा ना, है ना. थोड़ा बड़ा करते हैं बॉम्ब को. अभी ये बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इधर ही होगा. एक्स इज सेंटर ऑफ मास, पर अभी सेंटर ऑफ मास जो है वो स्टेशनरी है. चल अगर ये बॉम्ब फटा, बॉम्ब जब फटता है ना तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाता है. बॉम्ब ऐसा मत कहना सर लगाता है ना, तो खींचता है ना, तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगना नहीं कहते हैं. बॉम्ब फटता है बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल स्टोर्ड केमिकल एनर्जी. बॉम्ब के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, उसकी वजह से ये बॉम्ब बूम फटने वाला है. अब जब बॉम्ब फटेगा ना, कितने भी टुकड़े होंगे फर्क नहीं पड़ता है, सेंटर ऑफ मास अपना स्टेट वही का वही रखेगा. तो सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में जहाँ पे था ना, ये इनिशियल पोजीशन है बॉम्ब का, एंड दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ये बॉम्ब जब फूटे ना, तो कितने भी टुकड़े क्यों ना पड़े, ये सारे टुकड़े इसी तरह से मूव करेंगे ताकि सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रहे और सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, बिकॉज पहले सेंटर ऑफ मास कैसा था, स्टेशनरी था. तो आफ्टर एक्सप्लोजन ऑल्सो, आफ्टर एक्सप्लोजन ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास रिमेन स्टेशनरी एट इनिशियल पोजीशन. वो तो जाएगा ही नहीं कहीं, बिकॉज बाहर से कोई धक्का मारा नहीं है ना, तो सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह पे ही रहेगा. व्हाट इफ यू थ्रो द बॉम्ब लाइक दिस, इफ द बॉम्ब इज इन मोशन तो इट विल डू द प्रोजेक्टाइल मोशन, और अगर आधे रास्ते में फटा तो कोई बात नहीं, बताता हूँ. चलो, इफ द बॉम्ब इज इन मोशन, अगर बॉम्ब को ऐसे फेंका गया है तो बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पर्टिकुलर पाथ पे मोशन करने वाला है ना, पूरा बॉम्ब ऐसा है ना. तो अगर दिस इज, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके बॉम्ब फटा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए जालिम के, तो भी जो बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो अपना ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी पकड़ के रखेगा, बिकॉज यहाँ पे भी बॉम्ब के फटते वक्त बाहर से किसी ने कुछ भी नहीं किया है. राइट, अगर बाहर से कोई कुछ नहीं करता है तो सेंटर ऑफ मास अपना ट्रेजेक्टरी कभी बदलता नहीं है, अपना स्टेट कभी बदलता नहीं है. तो यहाँ पे भी जब बॉम्ब फटा, बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया, ऐसे बॉम्ब यहाँ से फटा, वाह. राइट, पर जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले इस रास्ते से आ रहा था ना, अभी भी सेंटर ऑफ मास जो है वो उसी ट्रेजेक्टरी में जाने वाला है. मतलब ये दो टुकड़े इस तरह से मोशन करेंगे ताकि ये दोनों टुकड़े का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो इसी लाइन के ऊपर रहेगा. राइट, तो आई विल राइट हियर, व्हेन बॉम्ब एक्सप्लोड इन बिटवीन, एक्सप्लोड ड्यूरिंग मोशन, इट्स फ्रेगमेंट्स move in such a way, its fragment move in such a way that its center of mass remain in initial trajectory. Center of mass का trajectory बदलने वाला नहीं है, particle इस तरह से move करेंगे ताकि center of mass का trajectory यही रहे जो पहले था. This is the trajectory of center of mass. Which is not gonna change at all. Okay, so this is the concept
of the center of mass and second law of the motion. I hope it is very 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 clear, because ये बहुत simple सा एक topic था. आपको याद इतना रखना है कि जब बहुत सारे particle हो motion कर रहे हो, तो बहुत सारे particle का motion अगर आपको समझना है तो आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए center of mass किस तरह से motion कर रहा है उसके ऊपर, क्योंकि पूरे system का जो momentum था that was you can consider कि वो momentum जो है वो किसके पास है, center of mass के पास है. Right, we assume that के पूरा mass कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, एंड सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा उसके साथ टोटल मास को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. फोर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, अलग अलग पार्टिकल के ऊपर भले फोर्स लगे, टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स होगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगता है, सिस्टम का टोटल मास बदलता नहीं है और सेंटर ऑफ मास का जो स्टेट है वो भी चेंज होता नहीं है जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे तब तक. ओके, चलिए कॉपी करिए इसको क्विकली फटाफट.